समाज सेवी एसपी सिंह ओबराय द्वारा चलाई जा रही संस्था सरबत दा भला ट्रस्ट द्वारा विधवाओं, विकलांगों व वृद्धों को पेंशन राशि के चेक वितरित किए गए। समाज सेवी विपिन शर्मा के नई आबादी स्थित आवास पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान 2 दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। संस्था के जिला प्रभारी महेंद्र सरस्वा ने कहा कि समाज सेवी एसपी सिंह ओबराय की ओर से अपनी कमाई का 98% हिस्सा जरूरतमंदों तथा असहाय लोगों की मदद के लिए खर्च किए जा रहा है। 2016 में जिला फाजिल्का में ट्रस्ट के समाज सेवी कार्यों की शुरुआत की थी और यह सेवा कार्य आज भी जारी है। संगठन का काम शुरुआती दौर में पंजाब से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह बढ़ता हुआ 6 राज्यों में चल रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली तथा यूपी शामिल है। इसके तहत ट्रस्ट सदस्य जन स्वास्थ्य, सामाजिक पेंशन तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस समय जिला फाजिल्का में करीब 400 लोगों को पेंशन मुहैया करवाई जा रही है। वहीं 4 सिलाई सेंटर के माध्यम से युवतियों और महिलाओं को 6 माह का कोर्स करवाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके अलावा जिले के 48 सरकारी स्कूलों में खराब पानी की स्थिति के चलते आरओ सिस्टम लगवाकर दिए गए हैं। वहीं संगठन की ओर से आंखों के कैंपों के माध्यम से करीब 500 लोगों के ऑपरेशन करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा अबोहर में जल्द ही डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। इस मौके पर जिला प्रभारी महेंद्र सरस्वा के अलावा कैशियर सर्वजीत सिंह, सीडीपीओ गीता, समाज से भी विपिन शर्मा, सत्यारानी मौजूद रहे। जरूरतमंद परिवारों को असी एक जगह से लगभग 40,000 रुपए की अमाउंट जी है वो असी शहर शहर के वंटते हैं। बाकी असी साड़ी लगभग 55 पिंड।